हे गाइस, वरुण मैं सुनचान। तो गाइस, स्मैकडाउन शो हो चुका है, इतना खास नहीं था, लेकिन गाइस इसमें ड्राफ्ट जो थे बहुत अच्छे हुए हैं। एंड गाइस, स्मैकडाउन ने ड्राफ्ट किया, रॉ ने ड्राफ्ट किया, एंड फर्स्ट पिक स्मैकडाउन की थी। आपको पता है टिफिनी स्टेटस का मैच हुआ है, एंड मेन इवेंट में मतलब कोडी रोड्स को डाला गया, कार्मेलो हिल्स के साथ मैच था उनका। तो गाइस बहुत सारी चीज़ें हुई हैं स्मैकडाउन में, तो कुछ भी मिस नहीं करना चाहते, वीडियो को लास्ट तक देख लेना है। चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आप कोई भी अपडेट और कोई भी रिव्यू से रिलेटेड वीडियो को मिस ना कर सको मेरे चैनल पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शो की स्टार्टिंग हुई, कोडी रोड्स दिखाए जाते हैं, हमारे पॉल हेमन दिखाए जाते हैं। पॉल हेमन भी कहते हैं स्टार्टिंग में पूल में रोमन रेंज है, मतलब उसी चीज़ में रोमन रेंज ड्राफ्टेड है। तो रोमन रेंज देखो कहाँ पर ड्राफ्ट होता है, एंड स्मैकडाउन को यहाँ तक बिल्ड करने में रोमन रेंज का सबसे बड़ा हाथ है। ट्राइबल चीफ इज द ओनली वन टू मेकिंग स्मैकडाउन ब्रांड नेक्स्ट लेवल, तो ये चीज़ उन्होंने कही स्टार्टिंग में। उसके बाद बहुत सी चीज़ें हुई, जैसे कोडी रोड्स आते हैं रिंग में, एंड भाई से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है, कोई मारापीट ही नहीं थी। ये स्टाइल आते हैं, कोडी रोड्स कहते हैं कि तेरे साथ मैच करने में मुझे बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि इनकी राइवरी पुरानी है बुलेट क्लब की, दोनों ने बुलेट क्लब बनाया था आपको पता है इंडिट शो में, तो उसी के रेफरेंस को लेकर दोनों ने बात की। एंड उसके बाद ये स्टाइल ने कहा कि दैट इज़ द एंड ऑफ योर टाइटल रेन एट बैकलैश, आपको पता है बैकलैश में हारेंगे इन कोडी रोड्स, लेकिन गाइस इनका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हुई। उसके बाद जाने लगते हैं, लेकिन ट्रिपल एच आ जाते हैं, ट्रिपल एच आके कहते हैं कि राइट नाउ ड्राफ्ट स्टार्टेड एंड कोडी रोड्स फर्स्ट ऑफ ऑल पिक करते हैं ड्राफ्ट के लिए। सबसे पहले पिक थी ड्राफ्ट के लिए कौन, बियंका ब्लेयर, जिन्हें स्मैकडाउन ने पिक किया है। उसके बाद थे जे उसो मेन इवेंट, एंड गाइस हमारे कार्मेलो हिल्स ड्राफ्ट हो चुके हैं स्मैकडाउन पे, एंड उसी के बीच आते हैं कार्मेलो हिल्स, सीधा चैलेंज कर देते हैं कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स को कहते हैं यू वॉन्ट पिक मी एंड आई वॉन्ट चैलेंज यू एंड मेन इवेंट स्मैकडाउन, और मेन इवेंट में इनका मैच कंफर्म हो गया भाई, ऐसे कंफर्म हो गया। और कार्मेलो हिल्स के बहुत बड़े प्लान है, ये मान के चलो दिस इज द बिगेस्ट प्लान ऑफ कार्मेलो हिल्स इन मेन रोस्टर, एंड एनएक्सटी के सुपरस्टार भी देख रहे होते हैं। और गाइज उसके बाद और भी ड्राफ्ट हुए, आपको मैं फोटो शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। नेक्स्ट गाइज हमें देखने को मिलता है उसके बाद मैच LWO, और भाई साहब LWO में क्या हो रहा है, इतनी बड़ी भसड़ मच गई। ड्रैगन ली का मैच था अगेंस्ट संतोष कुमार के बंदों के साथ, एंड मैच जीत गए ड्रैगन ली। एंड हमें संतोष कुमार आगे कहते हैं कि भाई रुक, मैं झूठ नहीं बोलता, इलेक्ट्रो लोपेज मेरे साथ ही, और मैंने वीडियो फुटेज निकलवाई है जिसमें ये पता चल रहा है कि कलीटो ने अटैक किया ड्रैगन ली पर, एंड ड्रैगन ली पर अटैक करने के बाद उसने जानबूझ के ये की बैक बिहाइंड अटैक करके, एंड गाइस उसके बाद वो भाग गए अटैक करके ड्रैगन ली पर। और भाई साहब रेमन स्टूडियो की फैक्शन टूट रही है, यहाँ से ये पता चला कि रेमन स्टूडियो के फैक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न कलीटो ने अटैक ड्रैगन लीग पर इसलिए किया कि ड्रैगन लीग ने उसका स्पॉट हासिल कर लिया था, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है अटैक करने का। उसके बाद हमें एक और ड्राफ्ट देखने को मिलता है गाइस, जिसमें हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है ग्राउंड ब्रेकर का, वो आते हैं एक सेकेंड में हरा देते हैं। एंड गाइस ये सब बेस्ट मैच तो नहीं कह सकते, जस्ट बिकॉज ऐसे ही डाला गया था, मुझे तो लग रहा है ऐसे ही डाला गया मैच। एंड इस मैच में जीत जाते हैं ब्राउन ब्रेकर, उसके बाद मिचेल मकूल एंड अंडरटेकर की वाइफ आती हैं, तो गाइज वो चूज़ करती हैं, सिलेक्ट करती हैं न्यू। एंड गाइज सेथ फ्रिकिन रॉलिंस इज़ अ रॉ गाय, एंड वो रॉ पे रहने वाले हैं, शेमस जो हैं वो रॉ पे रहने वाले हैं, स्मैकडाउन पे रहने वाले हैं, रैंडी ऑर्टन स्मैकडाउन पे रहने वाले हैं गाइज। एंड गाइज एक और एनएक्सटी सुपरस्टार है कैरियन, ऐसे कोई नाम है, वो भी स्मैकडाउन पे आने वाली है। तो गाइज ये मतलब वो सुपरस्टार हैं जो ड्राफ्ट हो चुके हैं, एंड राइट नाउ बहुत बड़ा ड्राफ्ट हो चुका है, मतलब हाँ मंडे नाइट रॉ पे ब्लड लाइन सेलेक्ट हो गई है गाइज, बाय द वे ब्लड लाइन इज सेलेक्टेड बट नॉट रोमन रेंज, राइट नाउ ब्लड लाइन सेलेक्टेड हो चुकी है। उसके बाद हमें गाइज बैक स्टेज देखने को मिलता है जहाँ पे ब्लड लाइन आती है, एंड भाई जब सोलो सिकोवा का वो दरवाज़ा होता है ना कार का, वो नहीं खोलते पॉल हेमन, तो पॉल हेमन पर गुस्साए जाते हैं और कहते हैं भाई तूने खोला नहीं, तो वो कह रहे हैं दिस इज़ माई मिस्टेक एंड माई मिस्टेक, ऐसे ऐसे बोलते हैं। लेकिन गाइज तभी पीछे से केविन ओवेंस का अटैक होता है, टामाटोंगा पे पूरी तरह से अटैक होता है, टूट पड़ते हैं। लेकिन गाइज उसके बाद यही ब्रॉल हमें आगे भी देखने को मिलती है जब बियंका ब्लेयर एंड जेड कागिल कबूकी वॉरियर्स को चैलेंज कर रही होती हैं, मतलब बात चल रही होती है। लेकिन वही सेगमेंट आगे आके देखने को मिलता है, जब आगे आते हैं दोनों वुमेंस डिवीजन के बैक हो जाते हैं, तभी भाई साहब रिंग में आगे जो हाथापाई हुई ना केविन ओवेंस की टामाटोंगा के साथ, जो ब्रॉल हुई है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रॉल एवर। टामाटोंगा मतलब ब्लड लाइन को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे उस ब्लड लाइन को कोई हरा ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल टू कंट्रोल ब्लड लाइन, मतलब ऐसी चीज़ बताई जा रही है कि ब्लड लाइन इज़ इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, पागलों की तरह मार रहे हैं।
तबाह कर रहे हैं। एंड सोलो सिकोवा ने ये चीज़ कही थी पहले कि सब कुछ मुझे जानना है कि ब्लड लाइन कहाँ पे जा रही है और कहाँ पे नहीं जा रही है, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट मूवमेंट एवर ब्लड लाइन गाइज। रैंडी ऑर्टन आते हैं, रैंडी ऑर्टन आगे अटैक करते हैं और उसके बाद इनका मैच भी कन्फर्म हो गया है, बैकलैश में मैच होगा, टैग टीम टामाटोंगा सोलो स्क्वा वर्सेस रैंडी ऑर्टन एंड हमारे केविन ओवंस, दिस इज अ बैकलैश मैच। एंड उसके बाद हमें बैकस्टेज देखने को मिलता है जहाँ पर टिफनी स्टेटस कहती है कि मुझे मैच चाहिए अगेंस्ट बेली, लेकिन बेली आगे कहती है कि जो जीतेगा नियोमी एंड तुझ में से तू या नियोमी जो भी जीतेगा वो फेस करेगा मुझे बैकलैश में। एंड गाइज तभी टिफनी स्टेटस कहती है कि तू रहने दे, तू बैठ के देखना, मैं तुझे मतलब बताऊंगी कौन जीता कौन नहीं। और इनका मैच था, नेक्स्ट मैच होता है टिफनी स्टेटस एंड बेली का, सॉरी नियोमी। तो गाइस मैच बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत परफेक्ट मूव्स लग रहे थे, लेकिन गाइस नाया जैक्स हो चुके हैं ड्रॉप स्मैकडाउन में। नाया जैक्स ने तोड़ फोड़ कर दी बेली को, जब पीटा है ना वैसा बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, नियोमी को डिस्ट्रॉय कर दिया। और भाई इसका फ़ायदा उठाया हमारी टिफनी स्टेटस ने, मैच जो डिस्क्वालीफाई हो गया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी मतलब मून स्टॉल सॉल्ट लगाया एंड शी स्टैंड टॉल। एंड टिफनी स्टेटस के बहुत बड़े प्लान है, दैट इज़ द रियलिटी ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई राइट नाउ। टिफनी स्टेटस इज द बिगेस्ट स्टार ऑफ वुमेन डिवीजन एंड दे हैव लॉट्स ऑफ प्लान। तो गाइस उसके बाद हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट डडली ब्रदर्स भी आते हैं, वही इंट्रोड्यूस करते हैं कि ब्लड लाइन सेलेक्ट हो चुकी है स्मैकडाउन के लिए, बहुत सी चीज़ें हुई लेकिन रोमर ने सेलेक्ट। तो गाइस एज स्टाइल भी स्मैकडाउन में पिक कर लिए गए हैं। एंड हमारा मेन इवेंट हुआ मैच कोडी रोड्स एंड हमारे कोमेलो हिल्स का, मैच बहुत अच्छा था बट सिर्फ उसी लिए डाला गया था कोडी रोड्स। तो गाइस ये मैच सिर्फ इसलिए डाला गया था कोडी रोड्स को मोमेंटम मिल सके थोड़ा सा, मतलब हाँ कि रेसलमेनिया 40 के बाद उन्हें मोमेंटम मिले तो मैच इतना अच्छा नहीं था, बट ठीक था यार मूव्स बहुत अच्छे थे। कोमेलो हिल्स को थोड़ी सी स्पॉटलाइट मिल गई जिसके कारण उन्हें आते स्पॉटलाइट मिली। एंड गाइस दैट्स राइट नाउ कोडी रोड्स जीत के मैच में लास्ट में होता है एज स्टाइल आते हैं, एज स्टाइल आके सीधा ही मतलब अटैक टू कुछ नहीं करते, मतलब ऐसे ही दिखाते हैं शो ऑफ करते हैं। एंड राइट नाउ कोडी रोड्स एंड एज स्टाइल की स्टोरी लाइन मैटर कर रही है बट गाइस उस लेवल पर नहीं है जैसा रूमर रेन के टाइम पर था कि हाँ कोडी रोड्स को लाया गया, बट इतना खास नहीं था। मुझे लगता है ड्राफ्ट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ एंड राइट नाउ ड्राफ्ट के कारण ही बेस्ट लगा, बाकी स्मैकडाउन इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक ठीक थी उस लेवल पे नहीं थी। तो गाइज आज के स्मैकडाउन में रोमन रेंज को नहीं पिक किया गया, ब्लड लाइन को पिक कर लिया गया। तो देखो रोमन रेंज कल नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ पे पिक होते हैं या नहीं, बाकी देखो ब्रॉक लेसनर भी पिक होते हैं कि नहीं, बाकी ये अपडेट थी फुल स्मैकडाउन रिव्यू। तो अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, थैंक यू सो मच।